even get some calls. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, आप सभी को पता ही है कि बिग बॉस 14 चल रहा है और लोगों को काफ़ी पसंद वगैरह भी आ रहा है, लेकिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जिस चीज़ से हो रही है वो है सीनियर्स, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हीना खान इस शो में आए हुए हैं, जो कि पुराने कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं और वैसे तो लोगों के फेवरेट्स भी रह चुके हैं, बट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है बिकॉज शो मेनली इन्हीं पर फोकस वगैरह कर रहा है और दूसरे कंटेस्टेंट्स अच्छी तरह से नहीं दिखा पा रहे, इस करके लोगों को ये चीज़ पसंद भी नहीं आ रही है। वैसे भी जो सीनियर्स की स्टे थी हाउस में लिमिटेड ही थी, वो हमेशा के लिए रहने नहीं आए थे पूरे शो के लिए, वो वैसे ही टीआरपी के लिए मतलब स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों के लिए लाए थे उनको। तो गाइस, अब टाइम आ गया है कि सीनियर्स को शो से निकालने का टाइम आ चुका है। अब सीनियर्स आपको आने वाले दिनों में शो में नहीं दिखेंगे बिकॉज इस टाइम पर हीना खान सबसे पहले गौहर खान निकल चुकी हैं बिग बॉस के सेट से, यानी कि जो तीनों सीनियर्स हैं वो निकलने वाले हैं, यानी कि आपको एक दो दिन में जो एपिसोड्स आएंगे टीवी पर उनमें आपको नहीं देखने को मिलेंगे, वो शो छोड़ के चले जाएंगे बिकॉज उनकी स्टे इतनी ही थी, लिमिटेड स्टे ही थी। अब असल में वहाँ पे गौहर खान शो सेट से बाहर निकल चुकी हैं, ऑल्सो उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला भी शो सेट के बाहर निकल के इवन फिल्म सिटी से भी बाहर निकल चुके हैं, और अभी हीना खान नहीं निकली हैं बट कुछ ही घंटों में या फिर कुछ ही मिनटों में निकलती होंगी और हो सकता है अभी तक निकल भी चुकी हूँ शो के सेट से और फिल्म सिटी वगैरह से बाहर। और ये मैंने आपको बताना था कि तीनों जो सीनियर्स हैं शो के वो जा रहे हैं, निकल रहे हैं शो से, और आपको आने वाले एपिसोड्स में यानी कि एक या दो दिन में ये नहीं दिखेंगे घर में। तो गाइस, ये थे सीनियर्स के, जो लोगों को प्रॉब्लम वगैरह थी सीनियर की, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिकॉज वो जा रहे हैं और आपके जो कंटेस्टेंट्स हैं इस सीज़न के उनको उन पे फोकस होगा बाकी का सीज़न। तो गाइस, सीनियर्स जूनियर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा जब ये शो को छोड़ के जाएंगे ये तीनों गौर, सिद्धार्थ और हीना। तो गाइस, ये तो थी सीनियर्स की बात, अब बात करते हैं वाइल्ड कार्ड्स की। तो गाइस, वाइल्ड कार्ड्स कब एंटर होंगे तो मैं आपको बता दूँ, वाइल्ड कार्ड्स भी एंटर होने वाले हैं, तीन वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होने वाली हैं बिग बॉस 14 में। जो तीन वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हैं वो कब होंगी, तो गाइस 23 अक्टूबर यानी कि 23 अक्टूबर को मोस्ट प्रोबेबली, अगर इन्होंने एपिसोड्स वगैरह डिले ना किए, यानी कि जैसे वीकेंड के एपिसोड आजकल मंडे तक खींचा जाता है, तो वैसे अगर एक एक एपिसोड का डिले ना हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली 23 अक्टूबर को तीन वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होनी वाली हैं बिग बॉस 14 में। वो तीन वाइल्ड कार्ड एंट्रीज कौन है अभी के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी पता लगेगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कोई तीन सेलिब्रिटीज़ को ऐड किया जाएगा शो में, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उनमें से कोई एक यूट्यूबर है, लेकिन ये सिर्फ एक रूमर है, मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा सिर्फ सुनने में आया था बट मैं श्योर नहीं हूँ। जो तीन वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होंगी, देखते हैं वो कौन होंगे, आने वाले दिनों में आपको पता लग ही जाएगा, या फिर 23 अक्टूबर को अगर ना भी हुए तो 24 को तो हो ही जाएगी, अगर 23 के आसपास ही वाइल्ड कार्ड एंट्रीज ज्वाइन करेंगी, यानी कि हो सकता है 22 हो जाए, हो सकता है 24, वैसे मोस्ट प्रोबेबली 23 को वाइल्ड एंट्रीज आ जाएंगी, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज बिग बॉस में। तो इस यही थी आज की खबर कि सीनियर्स जा रहे हैं और वाइल्ड कार्ड एंट्रीज तीन नए कंटेस्टेंट ज्वाइन होने वाले हैं सीजन में 23 अक्टूबर से। यही छोटी सी खबर थी, शेयर कर दीजिएगा बिग बॉस के फैंस के साथ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा, वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आपको कुछ नॉलेज मिली हो बिग बॉस के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए अगर आपको लेटेस्ट टीवी शोज़ की न्यूज़ सबसे पहले चाहिए होती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के न्यू वीडियो में, गुड बाय।